हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको तीन बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो कि लाइट वेट है और फुल्ली फीचर्ड एप्लीकेशन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ ब्राउजिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, और काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद निकाले हैं। सो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक लाइट एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हैं और बेस्ट फीचर्स भी आपको मिल जाए। सो ये कुछ एप्लीकेशन जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लाइट एप्लीकेशन होते हैं उनमें फीचर्स थोड़े से कम होते हैं जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं, बड़े साइज़ वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि ब्राउजिंग को एक्सपीरियंस को बिल्कुल चेंज करते हैं, लेकिन वो जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे जो लाइट एप्लीकेशन है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है ब्राउजिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहले ही ऐप है वो है मोनमेंट ब्राउज़र। सो मोनमेंट ब्राउज़र जो काफ़ी सिंपल सी ऐप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल से आपको इसका इंटरफेस मिल जाता है। मैं इसको यहाँ पे अगर होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ तो बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ खास फीचर्स है, जैसे कि इसमें जो है पेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप कोई पेज है उसको अलग अलग फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, इसमें डायल में PDF में सेव कर सकते हो, या फिर आप उसको जो अदर डॉक्यूमेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत से ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाते हैं। इसका सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें आपको किस तरह से जो पेज है उसको ओपन करना है, सर्च इंजन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और आप इसको एज ए टैबलेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका जो ब्राउज़र का इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो जैसे कि मैं इसको टैबलेट मोड में इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल से इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से अब इसका जो इंटरफेस है वो आ जाता है, और यहाँ पे जो इस ब्राउजिंग को जैसे आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी लाइट वेट है, 1 MB से भी कम का इसका साइज़ है, और यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें आपको मिल जाता है एक्स्ट्राज। तो यहाँ पे आप कोई भी थीम वगैरह वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी अच्छे ऑप्शन इसमें आपको फीचर्स में मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब जैसे ही आपको इसको यूज़ करेंगे सो आपको और भी सारे जो फीचर्स है वो मालूम होते जाएंगे। सो काफ़ी ये लाइट वेट एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे स्लिम प्रियंस। सो स्लिम प्रियंस एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, छोटी सी एप्लीकेशन है, और इसमें देखिए आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिल जाता है, जैसे आप टैप करोगे तो ये यहाँ पे इस तरह से टैब ओपन हो जाते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बुकमार्क्स को आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसकी UI कस्टमाइजेशन से रिलेटेड आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हो इसमें। इसके बाद यहाँ पे एडवांस पे कुछ फॉरवर्ड ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि वेबसाइट्स पे आप काम में ले सकते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स में आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्राउजिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, सो ब्राउज़र ऑप्शन में जाकर के आप यहाँ से ब्राउज़र के जो भी इंटरफेस है और जो भी सर्च इंजन वगैरह है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। सो काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन, ये भी लाइट वेट एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ब्राउजिंग एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे ब्राउजर। सो ब्राउजर एप्लीकेशन जैसे आप इंटरफेस देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा इसमें आपको इंटरफेस मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुकमार्क्स और हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप एडवांस में जो भी हिस्ट्री और बुकमार्क्स है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं देख सकते हैं। कुछ लिमिटेड ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे जो भी जरूरी वाले होते हैं जैसे कि सर्च इंजन वगैरह आप चेंज करना चाहें सो वो आप सर्च इंजन इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थीम वगैरह आपको सिलेक्ट करना है सो वो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि यूज़फुल हैं। सो ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, काफ़ी इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको कोई अदर ब्राउज़र पर नहीं मिलते। सो फ्रेंड्स, ये थे वो तीन एप्लीकेशन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट एप्लीकेशन है, प्लस इसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है जो भी हैवी एप्लीकेशन होते हैं, हैवी साइज़ के होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइट वेट एप्लीकेशन है जिनमें आपको कम साइज़ की एप्लीकेशन में भी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर हैं जो लाइट वेट तो हैं लेकिन उनमें जो कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, कुछ फीचर्स नहीं हैं। सो इसके लिए आप बड़े जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो गया, गूगल क्रोम से रिलेटेड भी और भी ब्राउजिंग एप्लीकेशन में भी आपको और अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप उसमें वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस वीडियो ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्ट और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट है बेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स, वहाँ पे आप हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एंड्रॉइड ऐप्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सो वो आप जरूर से चेक करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।